ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। भारत, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, तुर्की और कनाडा ने ब्रिटेन और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाने के बाद फ्रांस ने भी ब्रिटेन के लिए अपने रास्ते बंद करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़कर पूरे ब्रिटेन में फैला है, लेकिन लंदन, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में इसके ज्यादा संक्रमण पाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड पर पैनी नजर रखने वाली संस्था नेक्स्ट स्ट्रेन के आंकड़ों से पता चला है कि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी यह बदला वायरस मिला है, लेकिन उन जगहों पर यह वायरस ब्रिटेन से आए लोगों से पहुंचा है। इटली, फ्रांस और नीदरलैंड में भी इस वायरस के कुछ मामले मिले हैं। नए स्ट्रेन का पता सबसे पहले सितंबर 2020 में चला था, लेकिन नवंबर में लंदन में संक्रमण के 1/4 मामले इस वायरस से लोग संक्रमित हुए थे। वहीं दिसंबर के मध्य आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यही स्ट्रेन पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस की नई किस्म में कम से कम 17 महत्वपूर्ण बदलाव है। वायरस का यह नया स्वरूप 70% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है कि यह नया स्ट्रेन ज्यादा जानलेवा है या टीके को लेकर यह अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के डॉक्टर कहते हैं कि यह बताना अभी वास्तव में जल्दी होगा, लेकिन हमने जो देखा है उसके मुताबिक यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटरडेम में वायरस वैज्ञानिक प्रोफेसर जोनाथन बाल कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से अभी जो साक्ष्य उपलब्ध है वह इस बात के लिए कोई ठोस राय बताने को लेकर अपर्याप्त है कि क्या इस वायरस से वास्तव में प्रसार बढ़ रहा है। नए स्ट्रेन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्पाइक प्रोटीन में पाया गया। स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। यह तेजी से वायरस की अन्य स्ट्रेन की जगह ले रहा है। देश विदेश की सभी खबरें एक साथ जानने के लिए द एनआई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।